जब भी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की चर्चा होती है तो आमतौर पर यही मान लिया जाता है कि जिसका टॉप ऑर्डर चलेगा वही टीम जीतेगी। और यहां पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की कि आखिर उनके बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जा सकता है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। तो यहां सबसे पहले हम बात अगर बाबर आजम की करें तो न्यूजीलैंड के जो कोच थे स्कॉट स्टाइरिस आज भी कोच हैं, वो कोचिंग देते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बाबर आजम के बारे में कि उन्हें अगर रोकना है तो बेस्ट तरीका यह है कि उन्हें आप सिंगल बनाने का मौका दो, सिंगल लेने का मौका दो, और ताकि वो दूसरे छोर पर चले जाएंगे और दूसरे छोर के बल्लेबाज जो स्ट्राइक लेगा उस पर आप आक्रमण कीजिए, उस पर अटैक कीजिए और दबाव बनाइए, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है इसको कोई भी टीम मानने को तैयार शायद ही हो। लेकिन अगर हम देखें तो हालिया परफॉर्मेंस अगर देखें T20 क्रिकेट का, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया पारी खेली, दो उनकी पिछली दोनों पारियाँ T20 की बहुत अच्छी थी, लेकिन एक सच ये भी है कि बांग्लादेश के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। और इससे पहले जब साउथ अफ्रीका पिछले साल गई थी पाकिस्तान की टीम, तब भी वो बहुत ज्यादा रन दो मैचों में तो बिल्कुल बनाए नहीं पाए थे और थोड़ा स्ट्रगल करते हुए वहां भी दिखे थे। तब सवाल यहां पर यही है, इसी चीज को एनकैश करने की जरूरत है कि स्ट्रगल आखिरकार बाबर आजम जैसा प्लेयर कैसे करता है और क्यों मजबूर होता है स्ट्रगल के लिए। तो उन पहलुओं पर निश्चित तौर पर टीम भारतीय टीम प्रबंधन इस समय मंथन कर रहा होगा, विचार कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है, जिस तरह से एक बार तो आउट हुए थे, बहुत ही गेंद नीची रही थी और नीची गेंद पर उन्होंने शॉट लंबा खेल दिया जिस पर वो आउट हुए, और इसके अलावा लेंथ बॉल जो थोड़ी सी एंगल लेते हुए हो उस पर भी थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं होते, यानी शॉट भी मारते हैं विकेट भी देते हैं। तो ऐसा मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ जब बांग्लादेश गई थी पाकिस्तान की टीम। और उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रिटोरियस ने भी उनको ऐसी ही लेंथ बॉल पर आउट किया था, निप बेकर गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी और वो भी गेंद थोड़ी नीची रही थी। तो नीची गेंद पर होता यह है कि बाबर आजम थोड़ा सा या तो उसको गेंद को लिफ्ट करते हैं और जहां वो लिफ्ट करते हैं छक्का नहीं जाता तो वो कहीं ना कहीं कैच जाता है, तो वो उनको आउट करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। और इस पर भारतीय टीम प्रबंधन निश्चित तौर पर विचार कर रहा होगा, भुवनेश्वर यही कर सकते हैं क्योंकि उनकी गेंदें भी इन स्विंगर होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं और अगर गेंद को नीचे रखेंगे तो जाहिर सी बात है बाबर जैसे बल्लेबाज पर कुछ हद तक अंकुश लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पुल शॉट का फनकार है, स्वीप भी बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। आमतौर पर भारतीय खिलाड़ी स्वीप से बचते रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वीप नहीं खेलते, रोहित शर्मा को छोड़ दो, सूर्य कुमार यादव को छोड़ दो, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा स्वीप शॉट खेलता है, पुल शॉट खेलता है, लेग साइड का फनकार माना जाता है। ऑन साइड पर खूब जितने मर्जी आप इनसे आप शॉट खिलवा लो तो बेहतर यही होगा कि हमारा जो तेज गेंदबाजी आक्रमण है उन्हें पांचवें और छठे स्टंप के आक्रमण पर सीमित करने की कोशिश करें। पांचवें और छठे स्टंप पर आप आक्रमण करेंगे तो आप रिजवान को बहुत तेजी से रन बनाते हुए नहीं देख सकते, वहां वो गलती भी करेंगे और उनके आउट होने की संभावना भी बनेगी। फखर जमान की बात करते हैं, ये तीसरे खतरनाक बल्लेबाज हैं, हालांकि कंसिस्टेंसी लेवल इनका बाबर और रिजवान जैसा नहीं है, लेकिन जब ये खिलाड़ी चलता है तो अपनी टीम को जिताकर ही दम लेता है। पिछले दिनों उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी वनडे क्रिकेट में और नीदरलैंड के खिलाफ, और बिल्कुल अलग तरह से दिखाई दिए थे हमें फखर जमान, वो पुराने वाले फखर जमान नहीं दिखे थे उस सेंचुरी में जो हर तरफ शॉट लगाते थे, लेकिन ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ उस पारी में अगर हम बात करें तो पॉइंट बाउंड्री, थर्ड मैन बाउंड्री या कट करते हुए ज़्यादातर दिखाई दिए अपनी ज़्यादातर पारी के हिस्से में। तो जब इन्होंने अपनी शैली बदली है और इन्होंने सोचा है कि अपना विकेट आसानी से नहीं देना और शॉट लगाने के लिए सिर्फ उन्होंने कट शॉट खेलने पर ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेहतर यह रहेगा कि भुवनेश्वर कुमार जो है उनके सामने ज़रूर आएँ, उनके ओवर बचा के रखे जाएँ और उनकी जो इन स्विंग गेंद है बहुत तेज़ी के साथ जो अंदर की तरफ आती हैं वो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, और उनको फुलर लेंथ की गेंदें दें जिससे वो आगे बढ़कर स्ट्रोक खेलें और गलती करें और कैच दें, क्योंकि दो मौक़ों पर हमने देखा वो लॉन्ग ऑन पर कैच लपके गए हैं हाल में, और ये जो फुलर लेंथ गेंद पर
शफर्ट ने भी उनको फुलर लेंथ गेंद पर आउट किया था। तो साउथ अफ्रीका हो चाहे वेस्ट इंडीज हो, वह हमने देखा है कि थोड़ा सा जूझते हुए दिखते हैं। और फुलर लेंथ क्या, कई बार तो फुल टॉस गेंद को भी ये सामने खेलते हैं, उस पर भी दो बार आउट हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारतीय गेंदबाज उनको फुल टॉस बॉले करें, लेकिन उनको आप यॉर्कर लाइन की या फुलर लेंथ की गेंदें करेंगे तो बेहतर रहेगा। और कोशिश ये हो कि उनको शॉर्ट गेंद ना करें, जिससे कि वो कट शॉट ना खेल पाएं, ज़्यादा शॉट ना खेल पाएं। इतना ही नहीं, आमतौर पर देखा गया है कि फ़कर जमान जो है वो स्पिनर के सामने भी फंसते हुए दिखाई दिए हैं। हालिया प्रदर्शन देखें, स्पिनर्स के सामने उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने कि तेज गेंदबाजों के सामने होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यजुवेंद्र चहल या अश्विन, इनकी गेंदें काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं और वो प्रेशर जो है प्रेशर टैक्टिस इनके बहुत इनको आउट करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। स्लोअर बॉलें तो हैं ही, आवेश खान अगर स्लोअर बॉल करते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्लोअर बॉल पर वो अक्सर फंसते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का नहीं चला तो उस वक्त खुशदिल हों, शादाब हों, नवाज हों, हैदर अली हों, ये उस तरह के खिलाड़ी नहीं हैं कि लंबी पारी खेलें और टीम के स्कोर को 200 तक पहुंचाएं। तो जाहिर सी बात है कि ये मैच एक हाई वोल्टेज मैच है और भारतीय टॉप ऑर्डर की भी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चर्चा यहीं हम इस चर्चा को विराम देते हैं कि बाबर, रिजवान और फक्र को रोकिए, उसके बाद अपने आप दबाव आ जाएगा और पाकिस्तान टीम जूझती हुई दिखाई देगी और वो भारत की जीत की एक तरह की कुंजी होगी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।